हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि HTML में मेटा टैग्स कौन कौन से होते हैं और अगर हमें स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करने हैं तो वो कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको हर वेब पेज में हमें कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि हम लोग HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, ये सारे टैग हम लोग यूज़ करते हैं, पर इसके अलावा कुछ और टैग भी यूज़ होते हैं। तो जैसे आपने, जब भी मैं आपको ये वीडियो बना रहा था तो मैंने आपको दिखाया था कि कई सारे पेजेस में हमने ये दो लाइन लिखी थी। इन दो लाइनों के बारे में मैंने आपको बताया नहीं पहले, तो मैं अभी बता देता हूँ। सबसे पहले जो हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसका ये मतलब होता है कि हम डिफाइन कर रहे हैं कि जो हमारा ये पेज है वो HTML है, उसका जो डॉक्यूमेंट का टाइप है वो HTML है, तो ये लगाना ज़रूरी होता है। ये सारे जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो HTML के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि W3C ने बताए हैं, उनके हिसाब से हमको ऐसा करना होता है। उसके बाद हम जब भी वेब पेज में हमने इंग्लिश लिखी है या हिंदी लिखी है, मतलब जो हमारा कंटेंट है वो किस लैंग्वेज में है, वो भी हमको स्पेसिफाई करना होता है, जिसके लिए हम यहाँ पे HTML लैंग्वेज इक्वल टू EN लिखते हैं। यहाँ पे EN इंग्लिश के लिखते हैं, अगर हमने हिंदी में लिखा है तो हम यहाँ पे HI लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हम लोग अभी तक हेड में हम सिर्फ टाइटल ही लिखते आए हैं, पर टाइटल के अलावा हमें और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी होती हैं, तो मैं आपको वो एक एक करके अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मेटा टैग्स जो होते हैं वो कई सारे होते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका कीवर्ड, दूसरा है हमारा डिस्क्रिप्शन, तीसरा है हमारा ऑथर, चौथा है हमारा रिफ्रेस। तो ये सारे हम अभी यहाँ पे मेटा टैग पढ़ने वाले हैं, तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टैग है मेटा टैग, वो है कीवर्ड। कीवर्ड टैग में क्या होता है, कीवर्ड में हम अपने वेब पेज के बारे में जब कोई सर्च करेगा तो ये पेज हमारा कब डिस्प्ले होगा, हम उनको वहाँ पर डिफाइन करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए मैंने कोई वेब पेज बनाया है जिसमें मैंने HTML टैग्स के बारे में समझाया है, वो भी मैंने हिंदी में समझाया है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, फिर मैं कीवर्ड में लिखूँगा HTML टैग्स इन हिंदी। ठीक है, तो अगर कोई गूगल पर सर्च करेगा HTML टैग्स इन हिंदी तो ये आपका पेज मिल जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए मैंने साथ में उसमें HTML ट्यूटोरियल भी लिख दिया इन हिंदी, तो कोई HTML ट्यूटोरियल इन हिंदी सर्च करेगा तो हमारा वेब पेज मिल जाएगा। तो ये सारे क्या हैं, ये फ्रेजेज हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स। तो आपको हर वेब पेज में, अगर आप वो ऑनलाइन ये बना रहे हो, कहीं वेबसाइट में डालने वाले हो, तो कम से कम आपको 6 से 7 कीवर्ड्स आपको डिफाइन करने चाहिए। कि ध्यान रखिएगा ये 2 कीवर्ड हैं, है ना, हम कॉमा से सेपरेट करके हम सारे कीवर्ड लिखते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन मतलब वो होता है जब आप गूगल पे कुछ चीज़ सर्च करते हो। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखा HTML इन हिंदी, और आप देखेंगे यहाँ पे जब भी कोई वेबसाइट खुलती है तो उस वेबसाइट में यहाँ पे जो नीचे जो लिखा आ रहा है ये डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये हमको डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। तो डिस्क्रिप्शन जो होता है वो 150 कैरेक्टर तक का हो सकता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा और सर्च के दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ सर्च करता हूँ व्हाट इज इंटरनेट इन हिंदी, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ये हमारी वेबसाइट है computersinnotes.com, और इसमें आपको ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी हैं जिससे कोई अगर पढ़े तो वो उस पर क्लिक भी कर दे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जैसे हम यहाँ पे सपोज हम लिख सकते हैं कि इन दिस पेज, आप हिंदी में भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, यू विल फाइंड HTML टैग्स इन हिंदी। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऑथर, ऑथर में हम ऑथर का नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये पेज बनाया है तो मैं अपना नाम यहाँ पे टाइप करूँगा। और रिफ्रेश का मतलब होता है कि हम चाहते हैं अगर कि हमारा जो पेज है वो हर 1 मिनट में या हर 30 सेकेंड में रीलोड होता जाए। ठीक है, वैसा तो ये इसकी बहुत कम नीड होती है, बट रिफ्रेश टैग हम आपको यहाँ पे अभी समझाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये सारे जो टैग होते हैं वो कैसे लगाते हैं। सबसे जो पहला टैग है वो है कीवर्ड वाला। तो इन सारे टैग के लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो मेटा लिखते हैं और लिखते हैं फिर नेम, और नेम में हम लिखते हैं जो हमने यहाँ पे अभी टाइप पढ़े थे। सबसे पहला था यहाँ पे मेटा नेम इक्वल टू कीवर्ड्स, और फिर कंटेंट लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पे हम सारे कंटेंट लिखेंगे, मतलब जो हमारे फ्रेजेस हैं, जैसे हम लिखा था HTML इन हिंदी। ठीक है, और यहाँ पे और भी जैसे हम लिख दिया कि HTML टैग्स, तो ये सारे क्या हो गए हमारे, 2 हमने यहाँ पे कीवर्ड लिख दिए। तो जो मेटा नेम है उसके थ्रू हम लोग कीवर्ड्स डिफाइन करते हैं।
ऐसे ही मान लीजिए अगर हमको डिस्क्रिप्शन डिफाइन करना है तो हमारा जो अगला टैग है वो है मेटा नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे बस आप देखोगे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे बस कीवर्ड जो है डिस्क्रिप्शन लिखा और कंटेंट में हमें जो भी कंटेंट यहाँ पे डिफाइन करना है। और उसके बाद हमारा जो तीसरा जो चीज़ है वो है ऑथर, तो यहाँ पे हमने ऑथर डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये सारे जो तीनों टैग हैं मेटा के ये सब में सेम है, बस यहाँ पे जो एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो बस बदल रही है यहाँ पे। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया था रिफ्रेश करने के लिए, तो आप देखेंगे ये वाला जो जो टैग है उसको हम बोलते हैं रिफ्रेश वाला टैग, और यहाँ पे हम लिखते हैं मेटा, यहाँ थोड़ा सा नेम की जगह हम लोग यहाँ लिखा है। तो EQUIV मतलब टैग जो है ये क्या कर रहा है कि ये पेज को रिफ्रेश कर रहा है, यहाँ लिखा हमने 30, तो हर 30 सेकंड में हमारा जो पेज है वो अब लोड होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसके यहाँ पे 2 कर देता हूँ 2 सेकंड, तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। देखिए अभी ये रिफ्रेश हो रहा है यहाँ पे, और ये रिफ्रेश का जो इंडिकेशन है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो पेज है हमारा वो हर 2 सेकंड में रिफ्रेश होगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती हमको, तो इसको भी फिलहाल हम चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। एक और जरूरी चीज़ हम यहाँ पे आपको सिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे पेज में कुछ ये 4 लिंक रखी हैं, इनमें से सपोज़ 2 लिंक जो हैं ये मुझको अभी फ़िलहाल नहीं दिखाना है। ठीक है, तो एक तरीका क्या होता है कि हम इसको यहाँ सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे तो ये चली जाएंगी। बट कई बार हमको क्या होता है कि हमको वापस वो लिंक चाहिए, या हमें कुछ कंटेंट ऐसे चाहिए है, या मान लो इस पेज के बारे में हम कुछ यहाँ पे लिखना चाहते हैं जो हमें यूज़र को नहीं दिखाना है, जो मतलब जो वेब पेज देखेगा उसको नहीं दिखाना है, बट हमको दिखे वो कोड में दिखे, तो उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, कमेंट वाला टैग लगा सकते हैं। तो जो कमेंट वाला टैग होता है वो कैसे लगाते हैं कमेंट टैग, ऐसे। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, पहले ये वाला टैग लगाते हैं और इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे ये चीज़ यूज़र को डिस्प्ले नहीं होगी। जैसे हमने लिखा, अब आप इसको देखोगे रिफ्रेश करोगे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो ये सिर्फ सोर्स रहता है, कोड रहता है, इस कोड में ही बस डिस्प्ले होगा, यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए अगर मुझे सपोज़ ये लास्ट की 2 लिंक्स जो हैं वो डिस्प्ले नहीं करानी है कुछ समय के लिए, तो मैं उनको यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो अब आप देखोगे यहाँ पे तो ये नहीं दिख रहा है, और जब आपको चालू करना है तो ये जो कमेंट वाला टैग है इसको हम अलग कर देंगे तो ये हमको यहाँ पे दिखने लगेगा। अब जो हमें नेक्स्ट चीज़ सीखनी है वो है कि HTML के स्पेशल कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि हमको कुछ ऐसे कैरेक्टर यूज़ करने होते हैं, कैसे कैरेक्टर कुछ दिखाने होते हैं जो हम नॉर्मली नहीं बना सकते। सपोज़ एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे जो कॉपीराइट का साइन होता है या रजिस्टर्ड का साइन होता है वो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो अगर मुझे सपोज़ कॉपीराइट का साइन बनाना है, जैसे कॉपीराइट का साइन जो कैसा होता है कि उसमें एक सर्किल होता है उसके अंदर सी लिखा होता है, तो हम वो कैसे बनाएंगे, M% लगाते हैं। जितने भी स्पेशल कैरेक्टर हैं वो सारे हमारे M% से शुरू होते हैं, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे M% कॉपी और फिर सेमीकोलन लगा देंगे। अब यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो कॉपीराइट का साइन आ गया। ऐसे ही हम यहाँ पे सारे साइन, अभी हम कुछ स्पेशल सिंबल्स और भी हैं वो हम देखते हैं। जैसे हमने बताया रजिस्टर्ड का साइन हमको बनाना है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, M%REG और सेमीकोलन। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे रजिस्टर्ड का साइन आ गया, और ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। अगर आप HTML स्पेशल कैरेक्टर सर्च करोगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं करके। ठीक है, और आप कोई सा भी इस पर क्लिक कर दे, किसी भी फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देते हैं हम, तो यहां जो हमको अभी वेबसाइट दिखेगी उसमें हम देख सकेंगे कि कितने सारे कोड होते हैं। ठीक है, ये सारे आप देखोगे तो यहां पे ये डिफाइंड है, तो ये सारे जो टैग हैं ये आप ला के देख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ये जो एंटिटी कोड लिखा है आपको ये यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे देखिए कॉपीराइट का साइन बना के दिखाया, ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए M% ही बनाना है तो M% कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम क्या लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब अगर हम इसको रिफ्रेश करके देखेंगे, देखिए यहाँ पे बन गई है। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं इनमें से जो भी आपको लगे वो आप याद रख सकते हैं, सारे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें से मैं 2 जरूर बताना चाहूँगा आपको। जैसे अगर हमको कई बार मान लीजिए टैग लिखना है कोई, ठीक है, जैसे मुझे मान लीजिए ये मुझे HTML ऐसा दिखाना है, ठीक है, कहाँ दिखाना है, यहाँ पे, तो ये डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि ये टैग के फॉर्म में है। तो अगर हम इसको डिस्प्ले करना है तो हम कैसे करेंगे, ये जो साइन है इसकी जगह पर हम लिखेंगे M%LT और यहाँ लिखेंगे M%GT।
तो लेस देन का साइन और ग्रेटर देन का साइन। तो इस तरीके से आप देखिए ये जो कोड है वो आप दिखा सकते हो। तो ये बस ध्यान रखना है आपको, ये सारे क्या होते हैं हमारे HTML के स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने आपको अभी तक जो HTML के सारे वीडियोज़ में सिखाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट computerhindinotes.com पर जाकर हमारे HTML के सारे जो ट्यूटोरियल्स हैं टेक्स्ट फॉर्म में वो आप देख सकते हैं। तो आपको बस यहाँ पे computerhindinotes.com आप खोलेंगे जब, तो यहाँ पे होम पेज पे ही आपको इंटरनेट ई-कॉमर्स के अंदर यहाँ पे HTML है और यहाँ पे सारे जो इसमें टेक्स्ट मटेरियल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो भी सारे मैंने आपको अभी वीडियोज़ के अंतर्गत सारे जो HTML के टैग बताए हैं वो सारे टैग आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। थैंक यू।